हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लामा ब्लॉग्स। आज आपको मैं कलकत्ता की मशहूर मार्केट एस्प्लैनेड न्यू मार्केट की सैर कराऊंगा। और ये देख लीजिए, शुरू के वीडियो में ही अमीनिया होटल, जो कि मुगल खाने के नाम पे बहुत मशहूर है। यहाँ का बिरयानी, यहाँ का मटन स्टू वगैरह बहुत सा आइटम है, आपको बहुत पसंद आएगा, ज़रूर आइएगा यहाँ पर। और ये राइट में जो लाल बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये कॉरपोरेशन ऑफिस है कोलकाता का। अगर आपको यहाँ आना है, एड्रेस आपको पता नहीं कैसे आना है, तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, चेक कर लीजिएगा दोस्तों। कितना भीड़ है, बाप रे बाप, गाड़ी देखिए, आदमी चलने का जगह ही नहीं है, गाड़ी ही गाड़ी है। अरे ये आदमी तो मेरे आगे चलते ही जा रहा है यार, हटना, मैं आगे जाऊँगा। और ये आगे जो बायां साइड में लाल बिल्डिंग है, वो जो आप देख रहे हैं, वो भी एक रेस्टोरेंट है बहुत पुराना, जिसका नाम है निज़ाम। कहते हैं रोल का इन्वेंशन यहीं से हुआ था, चिकन रोल का, एग रोल का, पराठा का इन्वेंशन यहीं से हुआ था। और ये राइट साइड में जो बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ पे पहले चैपलिन हॉल हुआ करता था, अभी तो मल्टीप्लेक्स खुल के जितना भी हॉल है, पिक्चर हॉल, सबका 12 बज गया, कमाई बंद हो गया। और ये मेरी वाइफ, हॉल के नाम पे सिर्फ अभी न्यू एम्पायर खुला हुआ है, पैराडाइज, और बाकी मोटा मोटी जितना भी हॉल सब बंद हो गया। ये देख लीजिए, ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, ये बिल्डिंग, यहाँ पहले चैपलिन हॉल हुआ करता था। मैं यहाँ पे ब्रूस ली, जैकी चैन, आर्नोल्ड, ये सब के पिक्चर देखने आया करता था, वैंडम, ये सब का पिक्चर देखने आया करता था। ये देखिए, इंसान को गरीबी में क्या क्या करना पड़ता है, भीख तक मांगना पड़ता है। और अब हम एंट्री करेंगे कोलकाता के सबसे पुराने मार्केट, एसएस हॉक मार्केट, जिसे न्यू मार्केट भी कहा जाता है, ओल्ड न्यू मार्केट। यहाँ पे आपको बहुत सा सामान कमती दाम में मिल जाएगा। ये घुसते ही पहले बेकरी का सामान वगैरह का दुकान है, केक, पेस्ट्री, पनीर, खिलौना, बच्चा लोग का बर्थडे का जितना भी गिफ्ट आइटम, घर में जब बर्थडे होता है तो वो सबका आइटम यहाँ मिल जाता है। पनीर वगैरह, डायरी प्रोडक्ट्स, सब आपको सस्ते दाम में यहाँ मिल जाएगा। ये मैं हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, देख लीजिए मेरे को भी, आप बोलिएगा, आदमी का पता नहीं है, सिर्फ आवाज़ ही सुनाई दे रहा है। मेरा को भी देख लीजिए थोड़ा सा, मेरा चेहरा भी देख लीजिए, मास्क थोड़ा सा पहनना पड़ेगा, कोरोना का टाइम है, नहीं तो पुलिस फाइन लगा देगा। पीछे मेरी वाइफ मेरे साथ साथ मार्केटिंग करते हुए, मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, आप यहाँ से स्टार्ट है, कपड़ा वगैरह, क्लोथिंग, कॉस्मेटिक्स, सलवार कमीज, ज्वेलरी वगैरह, ये सब का दुकान है। यहाँ पे बच्चे लोग का भी कपड़ा का दुकान है, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े सस्ते दाम में मिल जाते हैं। अब ये निकल गया मैं एसएस हॉक मार्केट से बाहर, अब आपको दिखाता हूँ न्यू मार्केट के, यहाँ एक अंडरग्राउंड मार्केट है जिसे बोला जाता है सिम्पाक, अब हम इसमें घुसेंगे, ठीक है। अब ये पूरा एसी है, पूरा एसी मार्केट है। हम एक्चुअली एक सप्लीमेंट शॉप में जा रहे हैं, मुझे एक सप्लीमेंट ख़रीदना है। ये हम घुस गए, गेट में सैनिटाइजर दिया था हाथ में लगाने के लिए। यहाँ पे जूता, कपड़ा, बहुत कुछ मिलता है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग को आना है तो डिस्क्रिप्शन का लिंक में क्लिक करके चेक करके आ जाइएगा। देख रहे हैं ना क्या क्या अवेलेबल है यहाँ पे,
छोटे बच्चे से लेके बड़े बूढ़ों तक का भी कपड़ा मिलता है। फुली एसी मार्केट है, जूता वगैरह। हाँ, यहाँ पे रेट थोड़ा हाई है, लेकिन और जगह के मुकाबले जो चीज़ बाहर में 800-900 मिल जाएगा, यहाँ पे आपको 1500 के आसपास। शायद मैं एक बार जूता ख़रीदने गया था, जूता का दाम सुन के मैं वहाँ से निकल गया। रेट थोड़ा हाई है शायद यहाँ पे। ये हम आ गए लीन लैब सप्लीमेंट शॉप में। ये दादा बैठे हुए हैं, दादा मेरे को सामान दिखा रहे हैं। दादा बताइए दाम कितना है इसका। दादा कैलकुलेटर में डिस्काउंट वगैरह देख के शायद बता रहे हैं। सोलह सौ समथिंग। मैंने इसका हाफ किलो वाला सामान दिखाइएगा थोड़ा मेरे को, हाफ किलो वाला। मेरे को एक किलो नहीं चाहिए, हाफ किलो का। तो देखिए नहीं है हाफ किलो। दादा अभी खाना खाने जाएंगे। ये कौन सा है, दूसरी कंपनी का हाफ किलो। ये अमेरिकन कंपनी, इसका रेट थोड़ा हाई है, तो मैं इसे अभी लूँगा नहीं, क्योंकि यही रेट में मुझे एक किलो का भी मिल जाएगा। तो अभी उतना बजट है नहीं, तो मैं इसको नहीं लूँगा। डिस्काउंट करके दे रहे हैं, मगर वो डब्बा का ही दाम ज़्यादा ले ले रहा है। मेरे को डब्बा नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। चलिए, और ये हम सप्लीमेंट लेकर बाहर आ चुके हैं। ये मैं और मेरी वाइफ। अब हम बढ़ रहे हैं स्टेट्समैन की तरफ। स्टेट्समैन प्रेस है, उस तरफ बढ़ रहे हैं। ये न्यू मार्केट का लाइट हाउस सिनेमा का सामने वाला रास्ता है। यहाँ पे भी आपको ढेर सारे कपड़े चीपेस्ट प्राइस में, बैग, जूते, लेडीज शूज, बच्चे लोग का जूता, ये सब मिल जाएगा आपको यहाँ पे सस्ता दाम में। हो सकता है 50-100 रुपये इधर उधर हो, बार्गेनिंग कर सकते हैं आप। और ये बाएं से जाने से आपको रॉक्सी आता है। हमको सीधा जाना है। बारिश हो रही थी आज बहुत जोरों से, अभी थोड़ा सा बारिश हल्का हुआ है। आप लोग को और भी कोई जानकारी चाहिए कलकत्ता के बारे में, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके लिए वीडियो बना के ज़रूर दिखाऊंगा। दोस्तों आप लोग को, आप लोग कलकत्ता से बाहर रहते हैं या फिर कलकत्ता से दूर रहते हैं, तो मेरे को बोलिएगा, आप लोग के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। कैसे जाते हैं, बस कहाँ से मिलती है, क्या रूट है, ये सब मैं बताऊँगा आप लोगों को। मेरे को वीडियो को कमेंट बॉक्स में बता देना। कलकत्ता में गाड़ी बहुत हो गई, अभी कोरोना काल चल रहा है, फिर भी कोरोना काल के टाइम में देखिए यहाँ। हालांकि कलकत्ता में लॉकडाउन जारी है, ये अगस्त पूरा लॉकडाउन है। लॉकडाउन होने के बावजूद भी इतना गाड़ी निकल गया है, पॉल्यूशन से ही पूरा हालत ख़राब हो जाता है। ये हम आ गए हैं स्टेट्समैन, जो आपको धर्मतल्ला के विक्टोरिया उसके पास है ना स्टेट्समैन। एक्चुअली मैं यहाँ पे अपने फादर इन लॉ से मिलने आया हूँ, मेरे वाइफ के साथ। वो ट्रांसफ़र होकर यहाँ चले आए हैं, ये मेरी वाइफ है, वो ट्रांसफ़र होकर यहाँ चले आए हैं, तो मैं उनसे थोड़ा मिलने आया हूँ।
चलिए दिखाता हूँ। आपने कभी स्टेटमेंट प्रेस को अंदर से देखा है? नहीं देखा है ना। आज मैं आप लोग को अंदर से दिखाऊंगा। बहुत पुराना कंपनी है मगर ये अभी थोड़ा सा बहुत डाउन हो गया। उसका जो मार्केट है अभी उतना चलता नहीं है। ये देखिए, ये हम घुस गए अंदर गेट से। ये लिपमैन बैठा हुआ है। अभी भी इस लिप का एक एक सामान इतना कीमती है। ये जिस भी चीज़ से बनाया गया है बहुत सॉलिड है।